खबर झाबुआ से है, जहां कलेक्टर नेहा मीणा के आदेश पर गुरुवार शाम थांदला के पास नवीन ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का निरीक्षण करने पहुंचने पर नपा सीएमओ स्वच्छता निरीक्षण और अन्य कर्मचारियों पर स्थानीय ग्रामीणों ने पत्थरबाजी कर नवीन ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों ने करीब 4 दर्जन ग्रामीणों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। आपको बता दें, थांदला के नवोदय स्कूल के समीप ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड को थांदला के समीप 8 लेन और मियाती के बीच में शासकीय भूमि पर स्थापित करने का निर्णय लिया था, लेकिन गुरुवार को उक्त शासकीय भूमि का अधिकार लेने पहुंचे नगरीय प्रशासन के साथ पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह शासकीय भूमि मंदिर की भूमि है, ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ स्थापित करने से फसलें प्रभावित होंगी और हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इस दौरान अधिकारियों और ग्रामीण के बीच काफी बहस भी हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले में 8 नामजद सहित 32 अन्य ग्रामीणों पर FIR दर्ज कराने के लिए थांदला थाने में आवेदन दिया। इस दौरान मौके पर SDM तरुण जैन, SDOP रविंद्र राठी, तहसीलदार अनिल बघेल, थाना प्रभारी ब्रजेश मालवीय सहित दलबल के साथ प्रशासन भी मौजूद रहा। इधर ग्रामीणों के समर्थन में जो है संगठन भी आ चुका है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस भूमि पर ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया जाएगा। विवाद का हल फिलहाल किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा और प्रशासन को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे गाँव में नगर का कचरा आवंटित करा जा रहा है, जिसमें सब गाँववासियों की हमने पूरे गाँववासी होके एकजुट होके हमने ये कहा कि हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब अभी आए थे कि हम ये नहीं होने देंगे। यहाँ 3-4 बार हमने इनको तहसीलदार साहब और SDM साहब को अवगत कराया, फिर हमने जन सुनवाई में 2 बार दिया है कि हमको इसकी जानकारी नहीं दे रहे और हमको ये सीधा बोल रहे कि गाँव वाले नहीं करवाए। भाई गाँव वाले के पास तो आज ही हकीकत बात हुई, इनसे मुलाकात हुई, जानकारी नहीं है भाई ये कचरा ये करेंगे वो करेंगे, ग्राम सभा में नहीं बताया, प्रस्ताव सरपंच सचिव तड़ी को किसी को भी नहीं बताया। थांदला नगर परिषद द्वारा जो कचरा वहाँ से निकलता है वो यहाँ पर लाकर फेंका जा रहा था, उसके विरोध में ये लोग बैठे हुए और इनको बिना सूचना करे इन लोगों ने यहाँ पर कचरा फेंकने का और बाउंड्री वॉल बनाने के काम चालू करा, उसके विरोध में ये लोग बैठे और इनके निवेदन से हम लोग इनका समर्थन करने आए। आप सुनसान जगह पर कचरा फेंकने के लिए व्यवस्थित जगह ढूंढे, आप ग्रामीण जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पर ये कचरा फेंकना कदाचित गलत है। और भाई यहाँ इकट्ठा था यार नगर पालिका वाला कचरा दड़वा भी रहा, 3 माह कचरा दड़वा हारो इनका हम इकट्ठा था यार, हमारे गाँव में हम आ गंदीवाड़ो करे गंदीवाड़ो हमने करवा दिए कि हमारा सोरा है हमारो माल है आहू पानी हमणा वही जाए कुआ में पानी जाए तो वो भी पीवा हम बीमार थवा वाला तो विने जवाबदारी कौन ले हैं, तो इतने हम नहीं दड़वा दिए इतने दड़वा दिए तमार बाजार मानो कचरो तमार बाजार में रहवा दो, हमारे गाँव में नहीं दड़वा दिए ने तमो कहीं भी बनावो तमो भवन बनावो ते लावो कहीं ना निकिए तमो हमो जई रहा अस्पताल में थान ले है नहीं कहीं भी हाजमान था हम थान ले जाइए अस्पताल में थान ले जाइए तो अस्पताल भी बना दो हम ना निकी पर बाकी कचरो नहीं दड़वा दिए तमार गाँव मानो कचरो तमार वहां दड़ दो हम तमार तो हम कचरो दड़वा नहीं तुम साफ सफाई रखे ना अन हमार घर तमो गंदीवाड़ो करवावे गंदीवाड़ो। अभी जनवरी में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा कुशलगढ़ रोड मियाटी में ट्रेंचिंग ग्राउंड हेतु 3 हेक्टेयर की भूमि का आवंटन किया गया था, वहाँ पर निकाय द्वारा बाउंड्री वॉल किए जाने हेतु मैं खुद एवं मेरे कर्मचारियों द्वारा बाउंड्री वॉल किए जाने हेतु JCB एवं आवश्यक संसाधनों के साथ हम पहुँचे थे, परंतु वहाँ कम से कम 30 से 40 लोगों द्वारा हमें रोका गया एवं उनके हाथ में पत्थर एवं दराते वगैरह थे कि आप यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कर सकते, ये हमारे गाँव की ज़मीन है। मौके पर पहुंचे थे तो विवाद की स्थिति बनी थी, जिससे हमने SDM साहब SDOP साहब को अवगत कराया था, वो भी मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा समझाइश दी गई थी, परंतु फिर भी काफ़ी लोगों द्वारा विवाद किया गया जिसके चलते हमने 7 से 8 लोगों की FIR दर्ज करवाई है। चूँकि मियाटी में नगर परिषद थांदला को ज़मीन आवंटित है जिसपे वो बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग और प्रशासन और दलबल के साथ वहाँ गया था, लोगों का विरोध है इस चीज़ को लेकर कि वो वहाँ ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं चाहते, लेकिन प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है उनसे बातचीत करके कि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके।